झाड़ू देखो, चुनाव निशान है आम आदमी का, हाँ। लगा रहे मोदी जी, हाँ। और साफ हो रही है कांग्रेस, ये अच्छा? सबको पता है, हाँ। बात नहीं, हाँ। ये आपको भी पता है। अच्छा चलिए, कांग्रेस नहीं, केजरीवाल जी नहीं, नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? कह रहे हैं बिहार के युवा कह रहे हैं कुछ कि जो है नीतीश कुमार जी जो है, हाँ, 24 में नीतीश कुमार आएंगे। क्यों लगता है कि नीतीश कुमार आएंगे? अच्छा काम करते हैं बिहार। जैसे कि कौन सा काम? बिहार है भैया, ये भैया बिहार ना हवे छी, अबे गुजरात होवे, गुजराती मराठी समझदार होवे, ना कि बिहारी होवे भैया, ना कि बिहारी होवे। लिस्ट उठा के देख लो कि दुनिया में टॉप 10 में जो होते हैं ना ISPCS, कहाँ के निकलते हैं? गुजराती नहीं निकलते हैं, वो बिहारी निकलते हैं, वो बिहार के ही होते हैं, वो बिहार के ही होते हैं। नहीं नहीं, तो बिहार को ही होते हैं, जो देश का चाहे जो देश होता है वही देश को चलाते हैं। नीतीश कुमार जी के कौन से काम बहुत पसंद है? जैसे कि आप वहाँ के रोड देख लो, आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम देख लो, सब कुछ है। बिहार का डेवलपमेंट जाके देख लो, हाँ। क्या है बिहार में जाके देख लो अभी, हाँ। अच्छा PFI के ऊपर क्या कहेंगे? जो PFI पकड़ा गया, डिबेट किस पे करना चाह रही है कि 2024 में RSS में और PFI में फर्क नहीं? RSS में क्या कहेंगे आप? RSS में और PFI में फर्क नहीं हुआ है, बताइए थोड़ा आपके अनुसार कुछ नहीं। आप डिबेट करना किसे चाह रही है? मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने क्या पूछा 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दावेदार पूछा, नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं? आगे से भी आ सकती है, कभी पीछे से भी आ सकती है, सावधान खड़े रहना चाहिए। खड़े ऐसे थोड़ी होता है कि मैदान में पहुंच गए जी, नहीं, हाँ। पता नहीं है हमें किधर जाना है, वही है ना, मैंने कब बोला कि पता नहीं है। मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने नीतीश कुमार बोला, आपने उनके अच्छे काम गिनवाए, तो PFI कहाँ से निकला था? झारखंड से या उत्तराखंड से निकला? बिहार से था ना। मेरा मुद्दा PFI है, कहाँ से निकला था? RSS के खिलाफ कोई नहीं, मैं वही कह रही हूँ, खिलाफ कुछ मिला है RSS के? PFI के खिलाफ क्या मिला था? PFI के खिलाफ कुछ नहीं मिला है भैया जी। RSS ने बम फोड़ा, RSS के लोगों ने बम फोड़ा या PFI के लोगों ने बम फोड़ा? साबित करूँ, मैं करता हूँ, साबित करता हूँ, मैं अभी साबित करता हूँ। अपने झंडे को अपने संग्रहालय पर नहीं फहराए हैं, वो देशभक्ति का ज्ञान सिखाएंगे, नहीं फहराया ना। अब मैं बताता हूँ, सुनो ना, अगर नहीं फहराया ना, तो गर्व से उन्होंने जिस जो धर्म, जो सनातन धर्म पूरे देश में, सुनो बता रहा हूँ ना, धर्म नहीं बोल रहा, अरे बात तो सुनो, बात पूरी करने दो। अरे धर्म हटा दो, फिर देखो धर्म नहीं ला रहा, मैं बात सुनो, अबे बात तो सुन भाई, बात सुन, खामोशी थे वो सनातन का प्रचार करते हैं। एक मिनट, आपसे एक सवाल, अभी सर एक मिनट, आपसे, अरे एक सवाल मेरा सुन लीजिए सर, अभी आपने बोला भारत माता जिंदाबाद, भारत माँ की जय, तो ऐसा दावा करते हैं कि PFI जो है आतंकवादी संगठन है। सुन लीजिए मेरी बात, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, PFI का लिंक सीमी से क्यों निकलता है ये बताइए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। एक मिनट, PFI गलत है, आप मान रही हैं, अभी उससे जो बैन लगा है, आप उसको तो साबित करें ना पब्लिक सामने, कौन सा आतंकवादी संगठन से उसका लिंक था, आपने साबित क्यों नहीं कर रही? सीमी का नाम सुना है? तो बताइए ना, आपने सीमी का नाम सुना है? सीमी का नाम सुना है? सीमी का नाम सुना है? सीमी का नाम सुना है या नहीं? नहीं सुना है तो PFI आपको क्यों बुरा लगेगा? उसको फंड क्यों आया पाकिस्तान से, उसको फंड क्यों आता है? बुरा कहा ना भैया, PFI को यहाँ तो पाकिस्तान में लोग बिरयानी भी खाने चले जाते हैं, बिना बताए तो बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। बिरयानी खाने जाने हैं, बिरयानी, अरे सुनो, बिरयानी खाने इसलिए जाते हैं, बिरयानी खाने का दम है, राहुल गांधी की तरह उनकी प्लेट नहीं मारते, बिरयानी खाने
खाने का दम है। हम भी खाए, हमको बुरा क्यों कर रहे हो? दूसरा बात कह रहा हूँ मैं, खाने वाली बात है। देखो भारत हमारा एक ही देश है पूरी दुनिया के अंदर, 10 भारत नहीं है ना, 5 है, ठीक है। और ये किसके ऊपर चलता है? भगवत गीता के हिसाब से चल रहा है। सनातन धर्म सबसे ऊपर है, सनातन धर्म, ठीक है, सनातन धर्म। अरे आपका एक कंसर्न था कि सनातन, आरएसएस जो है सनातन की देन है, ठीक है। सनातन में भगवान लहराएगा, लहराता रहेगा। एक चीज पीएफआई है, तिरंगा क्या है? एक सेकंड सर, तिरंगा नहीं, तिरंगा क्या है? तिरंगा क्या है? मैं एक बात बोल रहा हूँ, तिरंगा क्या है? अरे रुको ना, तिरंगा क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज। कोई पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, किसको अधिकार है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में से अशोक चक्र निकाल के चरखा लगा दिया, उसकी जगह हाथ लगा दिया, उसकी जगह दो तलवार लगा के हरे कलर की मस्जिद लगा दी? ये सबसे बड़ी गद्दारी है देश से, जो पीएफआई और कांग्रेस ने की है। अच्छा आप सर 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 थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे। आपसे एक सवाल था मेरा, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको पलटू राम कहते हैं कि वो तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक मेरा सवाल, आप करें अगर आप कहाँ भी हुआ था अभी आप झारखंड में करें तो क्या है, और बिहार में हो गया तो पलटू राम हो गए। लेकिन एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, पलटू राम उनको कहना कोई वो गलत नहीं है, क्योंकि वो सही का साथ दे रहे, गलत का साथ नहीं दे रहे। जो ठीक है, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, जिस आरजेडी को, जिस नहीं 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 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बोल रहे एजम्पशन कर सकते हो कि 2024 में मोदी बन सकते हैं, हम भी एजम्पशन करें कि नीतीश भी बन सकते हैं। मैं उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रही हूं, 2024 में, अगर 2024 में मैं भी मुखिया का चुनाव लड़ू, मैं भी विधायक का चुनाव लड़ू, तो मैं भी जीत सकता हूं, ये भी मेरा सपोर्टर कर सकते हैं। प्रधानी जीत के दिखाओ, पहले गांव में प्रधानी जीत के दिखाओ भैया, एक बार गूगल पे खुर्शीद अंसारी गोपालगंज सर्च कर लेना, उसका पॉपुलरिटी पता चल जाएगी भैया। अच्छा एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, सर 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 नाम से हमसे भी उत्तर प्रदेश से नवाब ही हैं, तो ये थोड़ी होता है कि हम डाल दे तो नवाब हो जाएंगे। आपसे सवाल था, आपने बोला कि झारखंड में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस आरजेडी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते थे उसी पार्टी में लुढ़क कर चले गए ऐसा? पहले पहले एक मिनट, पहले नीतीश कुमार जी भी भाजपा को क्या क्या बोलते थे, फिर उसी साथ कैसे गठबंधन हो गई? तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं वही तो आपसे, वही तो आपसे पूछ लिए तो है, इसीलिए वो काम कर रहा होता है, काम के दौरान अगर कोई बाधाएं आ जाती है उसको पलटू नहीं बोलते हैं। अगर आकर एक बात, ठीक है, अभी तक आरजेडी से गठबंधन करने के बाद उसने क्या डेवलपमेंट किया बताता हूँ। बलात्कारों में वृद्धि, वहाँ पे गुंडों के राज में वृद्धि, वहाँ पे हर गली में, हर गली में गोलियां सरेआम चलती है, उसमें वृद्धि। यही विकास केवल और केवल नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ किया है, जो पहले विकास का वो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अपने पांच मिनट खड़े रहने, बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है, सरेआम गोलियां चल रही है वहाँ जाके महाराज। गुजरात में दारू बंद है, 25-24 लोग मर रहे हैं, क्राइम हो रही है, कितने कर दिया, बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल रही है, आज इतना गुंडा राज है वहाँ, बहन बेटियां घर से बाहर राज, नीचे इतना बुरा हाल है भैया। प्रॉपर यही के दिल्ली के रहने वाले हैं, बिहार में क्या है मरा, टीवी तो देख रहे हैं, न्यूज़पेपर तो देख रहे हैं, बिहार में कौन से रेप हुआ है बता थोड़ा, कौन से रेप हुआ? हर जिले में रेप हो रहा है, हर जिले में गुंडे, हर गांव में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, हर जिले में। अंकल
जी क्या नाम है? इरफान नाम है। ये बताइए इरफान जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मैं तो यूँ पता, टाइम आने पे पता लगेगा कौन होगा। नहीं, लेकिन आपके अनुसार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आएगी कांग्रेस, आएगी। क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? बस लग रहा, हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? यू कनॉट प्लेस है, यहाँ तो सुनते हैं मोदी को, सुनते हैं। हम यूपी के हैं, यूपी में भी सुनते हैं। लेकिन यूपी में तो कांग्रेस ही नहीं है। पहुँचेगी ना? पहुँचेगी। पहुँचेगी कैसे? पहुँचेगी ऐसी, पहुँचेगी नेता, कोई नेता तो आवेगा वहाँ। अच्छा, कांग्रेस को क्यों समर्थन दे रहे? कौन से उनके काम है जो खूब पसंद है? उनके काम, हमें तो उनके काम अच्छे लग रहे हैं। कौन से काम? सारे काम अच्छे। जैसे कि पांच काम गिनवाइए। सारे काम जैसे कि पांच काम? दो काम नहीं गिनवा, मैं एक काम भी नहीं गिनवा पाऊंगा भैया। हाँ। मुझे तो युवा तो काम करेंगे तो गिनवाएंगे। मैंने क्या कही? अरे मेरी सुनो ना पहले। मैंने ये क्या, वक्त बतावेगा, टाइम बतावेगा, कौन होगा कौन ना होगा वक्त बता देगा। चाचा जान आज वक्त देख के नहीं आए, चाचा जान वक्त देख के नहीं आए, इसलिए उनको वक्त का पता नहीं है। इसमें पता लग जाए, घड़ी बांध रखे तो पता चला। अच्छा अच्छा अंकल जी, कांग्रेस के युवा नेता है राहुल गांधी जी, भारत मेरा सवाल, वो युवा नेता कहते हैं खुद को भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या भारत के टुकड़े हो गए हैं आपके अनुसार? ना। तो फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों नाम रखा? तो पूछो। नहीं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं तो आपने कुछ तो सोचा होगा। नाम के लिए रखा है। किस नाम के? मेहनत कर रहे हैं, नाम के लिए रखा उन्होंने। हाँ। क्या आप राहुल गांधी सपोर्टर हैं? अरे इसमें कांग्रेस सपोर्टर है, देखो खुल के बोलो। मैं भी खुल के बोलता हूँ कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूँ। देखो जो बोलना है ना, खुल के बोलो सर। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। वहाँ पार्टी दो है, सुनो मेरी बात। मायावती, अखिलेश, दो पार्टी थी वहाँ पर, समझे जी। हम मायावती के वोटर थे, बाकी हमें मायावती नहीं अच्छी लगी ना वो अच्छा लगा। हम जो कांग्रेस का कोई नेता जाएगा उसे सपोर्ट करें, उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप पांच काम तो गिनवा ही नहीं रहे। पांच कामों का मुझे पता नहीं है। पता नहीं है लेकिन फिर भी समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आपके घर में आलू डालने पर सोना निकलता है क्या? आलू डालने पर सोना नहीं, राहुल गांधी जी कहते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं ऐसी मशीन लेके आऊंगा जिससे एक तरफ से आलू निकलेगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। देखो इनको पहले मशीन मिलेगी तब तो आलू डालेंगे। क्या नाम है सर, क्या नाम? मेरा डॉक्टर साक्षात भसीन, शायर, गीतकार और एक्टर। साक्षात भसीन, शायर, गीतकार, एक्टर हूँ मैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा प्रधानमंत्री कौन बने। कांग्रेस को सपोर्टर कर रहे हो आप लोग। क्या नाम आपका? शुभ नाम? इरफान नाम। इरफान भाई, क्या बात है। अब आपके ऊपर एक शेर याद आ गया मेरे को। आइए आइए, एक शेर याद आ गया इरफान जी के, ए रब्बा, फ्रेम में आ जाइए, ए रब्बा, ए रब्बा, अब यूं तेरी वो करामात हो जाए, करामात हो जाए के भटके तेरे बंदों को, के भटके तेरे बंदों को इरफान जात हो जाए। उनका नाम इरफान था, ठीक है। तो यानी खुद का ज्ञान हो जाए, पहले इंसान तो बनो, नेता तो बाद में बनोगे मेरी जान। लेकिन युवा नेता इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। वो चप्पू चलाएगा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं। इतने बड़े पद पर बैठे उनको आप पप्पू कह रहे हैं? वो तो सोनिया गांधी की मेहरबानी है, गांधी परिवार चलता आ रहा है। आप तो नहीं बन सकते ना, आपकी जगह ले सकते, क्योंकि आप अलग खानदान से हैं। काश आप भी गांधी से होते तो आपको मिल जाता। लेकिन दावा कर रहे हैं कि अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं बनाएंगे इस बार। अध्यक्ष बना दो यार उसको, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो देखता उधर है, देखता उधर है, बोलता इधर है, पुतली है, उसको अध्यक्ष बना के क्या करना है? जो देश को कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के रूप में दिया, वो अपनी पार्टी को खड़गे के रूप में दे रही है। और मनमोहन सिंह रिमोट से चला ना 10 साल, क्या किया? एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बना, वो कुछ नहीं किया। जो खुद नहीं चल सकता अपने पैरों पे ढंग से, वो देश को क्या चलाएगा? तो पहली बार द वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी आफ्टर अटल। अगर मैं आपसे सवाल करूं, वाई नरेंद्र मोदी, क्यों लगता है नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहता है वो दिल से। हमने उसके अंदर कूद के देखा है, क्योंकि ईमान है अगर तुझ में मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। आगे देखिए, ईमानी गुल को ईमानी गुल को जहां में जहां में खुलकर महकना चाहिए। और देखिए, मोदी तेरी सोच से, सुनिए,
मोदी तेरी सोच से ईमान झलकता है, हर सू ही विकास हो नजर तू रखता है। मोदी तेरी सोच से सोच से जय हिंद जय मोदी। मोदी इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, किसी माँ का बेटा है लेकिन हम उसको अपने भाई से सगे भाई से बढ़ के मानते हैं। ये हमारा ईमान बोलता है, हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ शहर है। हमें कोई करोड़ों हजार में नहीं केजरीवाल का बाप नहीं खरीद सकता।